इसकी कम बैक मार्केटिंग के जिसको काफी यूनिक होने वाली है। यूनिक इसलिए होने वाली क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है ना दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि हम जो आ चुके हैं पिज्जा ऑडियो की ऑफिशियल ऑफिस में आ चुके हैं जो कि यह दिल्ली में स्थित है, और इनके जो ऑपरेट करते हैं इस ऑफिस को हमारे अमर भैया है जो कि पूरा जानकारी देंगे इस ऑफिस के बारे में, पिज्जा ऑडियो के बारे में, क्या क्वालिटी मिलती है, क्या क्वांटिटी मिलती है, क्या क्या चीज मिलते हैं यहाँ पे। तो मिलते हैं अमर भैया से और इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो हेलो भैया, कैसे हो? बस अमित भाई, सब मजे में। तो आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है, मैंने ऑडियंस को बोल रखा है काफी यूनिक होने वाली है, ठीक है? तो आप क्या यूनिक दिखाने वाले हो कि मजा आ जाने वाला हमारे? पहले मैं बता दूं कि जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं तो ये हमारे अमित भाई हैं और काफी मेहनत करते हैं, तो इनके जो चैनल में है काफी मेहनत करते हैं, आपके लिए लाइटिंग की भी वीडियो देते हैं, काफी अच्छे से एक्सपो भी जाते हैं, अभी बॉम्बे भी गए थे, बॉम्बे भी हम लोग मिले थे। तो भाई भाई को पहले सपोर्ट करो। और जहाँ बात अगर हमारी बात हो रही है पेंजा की, तो एक्चुअली ऐसा लगा कि पेंजा का कुछ हमारे जो कस्टमर थे तो डुप्लीकेट सामान जो दिल्ली में बहुत ज्यादा लोग लेके चले जाते थे और काफी सारा डुप्लीकेट लेते थे जो उनको कहते थे भाई मैं मजा नहीं मिली, तो हमको मजबूरन हमको दिल्ली में अपनी ऑफिस बनाना पड़ेगी। और जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पास काफी सारा जो हम लोग पेंजा का जो भी हम लोग केक बनाते हैं सामान, तो एक एक चीज हम लोग यहाँ पर सब रख के दिखाए हैं। और जितना भी है कोई भी कहीं से होने वाला है, यानी कि इंडिया के किसी भी कोने से भी है तो वो डीलरशिप भी अगर लेना चाहता है तो वो ले सकता है, जो बंदा आपसे डीलरशिप लेना चाहता है वो ले सकता है। हाँ, वो आके यहाँ ले सकता है। और बाकी आपको पता जैसे हमारा यूपी में तो है ही है, मेन हमारा जो कानपुर तो आपको पता ही है, और काफी सारे हमारे इंडिया में डीलर भी है, ऐसा है नहीं, हर स्टेट में डीलर है, और जहाँ पास नहीं ना तो हम बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो अभी हमने दिल्ली में ये अपना एक बनाया हब की मेन बना दिया है कि जो भी जिसको परेशानी हो, क्योंकि सब बड़ी बात आती है कि जो भी लोग हैं उनको ओरिजिनल सामान मिले, तो काफी सारा हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों मेन रीजन यहाँ पे ये लेने का है कि काफी भाई हमारे ये बोलते हैं कि जो पिज्जा ऑडियो है वो रिटेल में काम करती है या होलसेल में, तो भैया के पास अगर आप आते हो, अगर आप होलसेल में काम करना चाहते हो वो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, अगर आप रिटेल में लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, ऑल इंडिया डिलीवरी होने वाला है जैसे कि अमर भैया ने बताया। तो भैया मेन जो ओवरव्यू है हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? चलिए देखिए, हमारे पास तो लाइट से भी शुरुआत कर सकते हैं, देख रहे हैं हमने एक मिनी एसआरपी बनाई है और इसका बहुत जल्दी हम लोग इसका और अमित भाई के ही चैनल में हम लोग नाइट में वीडियो बना के डालेंगे कि ताकि इसको आप दिखा सके कि इसकी रेंज कितनी है, इसकी क्या इफेक्ट है, क्या रोशनी है, हम लाइव वीडियो आएगा, क्योंकि अभी मेरा ये नया ऑफिस खुला है, जैसे आप देख रहे हैं अभी हमारा इसका वर्क भी चालू है, फिर भी हमने बहुत कवर किया है। तो यहाँ पर हमने ये देखो एसआरपी हमने टेनआर मिनी की बनाई है, टेनआर मिनी, और जैसे देखते हैं कि पान लाइट है और काफी ये पान लाइट भी पिंजा की ये चल रही है सब, ये हमारी पान लाइट भी बनाते हैं हम लोग, ये इम्पोर्टेड होती है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में लोकल काफी सारी चल रही है और लोग लेते हैं फिर उसकी सप्लाई जल जाती है, तो जिससे काफी लोग परेशान होते हैं। तो काफी सारा यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पूरा, इसमें आपको पेंजा के नाम से पूरा इसका ब्रांडिंग होगी, हर चीज होगी, जो पूरी लाइट की आप देखेंगे, तो अमित भाई के चैनल में लाइट के ही वीडियो काफी ज्यादा जाती है और ये चीज देख सकते हैं अमित भाई, तो ये एकदम लाइट है। तो दोस्तों देख सकते हो क्वालिटी एक नंबर होने वाली है, और देख सकते हो वायर की क्वालिटी, देख सकते हो गाइस थिकनेस इसकी काफी मजेदार होने वाली है, और बैक साइड में अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर फैन लगी हुई है जो कि इसकी हीटनेस को बाहर निकालती है। तो आप अगर इसको परचेस करना है तो अमर भैया से कांटेक्ट करना है स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में बता दूं मैं, एक्चुअल मेरे चैनल भी है, चैनल में कुछ लोग देख रहे होंगे तो समझ गए होंगे, और इसको हम ये लाइट को जो है हम लोग कंपटीशन में भी लगाते हैं और काफी लगाते हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं, जो भी भाई ले तो एक बार इसको जरूर देखिए कि इसका मेन चीज होती है फैन। हमने यहाँ से फैन भी दिया है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी इसकी जो प्लेट भी लगाई है तो काफी अच्छी लगाई है, क्योंकि भाई बहुत जल्दी साड होती है और यहाँ हमने काफी लोगों से काफी दिन से यूज कर रहे हैं, जब हमको अच्छी लगी है तो ये हम इस चीज को लेकर आए हैं। अमर भाई एक चीज है कि मैं मोस्टली जो वीडियोज बनाता हूँ लाइट से, जी जी बिल्कुल, और काफी भाइयों का हमें ये कमेंट आता है कि भैया जो लाइट पार लाइट ले गया हूँ वो ज्यादा जल्दी फूक जाता है। तो गाइस देख सकते हो मेन जो रीजन होती है फूकने की, इसकी हीटनेस नहीं निकल पाती, इसकी प्लेट भी बहुत बड़ी है, प्लेट भी बहुत बड़ी है, और कंपनी ने एक चीज बहुत अच्छा किया कि ये देख सकते हो फैन बैक साइड में दे रखा है ताकि इससे इसकी जो हीटनेस होती है ना वो बाहर निकल जाएगी, तो इससे लाइट आपका सुरक्षित रहेगा। तो ये चीज आपने कंपनी ने काफी अच्छा किया। और एक चीज बता देता हूँ कि इसको आप देखिए, इसकी आप मजबूती भी देख सकते हैं, काफी मजबूती भी दी गई है, क्वालिटी एक नंबर, क्वालिटी हाँ नंबर एक, और रेट भी आपको इतना कोई है नहीं कि महंगा है, ये आपके बजट में हो जाएगा, जो भी हमारे आपके जितने भी चाहने वाले सब्सक्राइबर देख रहे हैं या लेना चाहते हैं तो बजट में भी है, बजट में ये ऑफिस है तो मैं यहाँ पर रेट नहीं खोल सकता, काफी लोग कमेंट भी करेंगे भाई साहब आपने तो दाम बताया नहीं, तो भाई
कहीं पर नंबर डाल देंगे अमित भाई, तो वहाँ से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ऑल इंडिया दोस्तों, आपको स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, या फिर आप कमेंट में मैसेज कर दो वहाँ पे। और मैं एक चीज और दिखाऊंगा, अगर आप लाइट के विषय की बात करते हैं तो देखिए ये हमने फॉग मशीन, हाँ ये एकदम छोटी बनाई है, बहुत लोग आजकल लोडर में डीजे में लगाने लग गए हैं, तो बहुत लंबी होती थी, तो यहाँ पास हमने इसको कवर करी है। अगर इसको मैं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इसको बंद करके रखा है थोड़ा सा, ये देखिए ये एकदम छोटी सी है, 1200 वाट की पिंजा ऑडियो की फॉग मशीन रहने वाली है, जो कि क्वालिटी काफी जेन्युइन होने वाली है। और इसका पीछे का देखिए, बैक साइड का ऑडियो आप देख सकते हो, काफी अच्छी क्वालिटी में ये भी आपको मिलने वाली है, जो कि पिंजा। और इसकी चीज की क्वालिटी आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात इसकी जो क्वालिटी है कि ये खास करके मोबाइल डीजे जो चल रहे हैं आजकल, लोडर में पिकअप में चल रहे हैं, तो क्या करते हैं पीछे काफी लंबी आती थी लाइटें, तो उनको बहुत परेशानी होती थी। और यहाँ देखिए हीट के लिए हमने एयर के लिए भी बहुत अच्छा दिया है, तो ये बहुत अच्छा बनाया। आप एक बार ये है कि इसको आप जरूर लीजिए, और बजट में भी होने वाली है, बजट में मिलने वाला है। जी जी, अगर आपको परचेस करनी है तो मैंने जैसे कि आपको बताया ही कि नंबर पे आप कॉल कीजिए, ठीक है। नंबर पे कॉल करने से क्या होगा कि आप डायरेक्ट अमर भैया से बात करके इनके बारे में जानकारी ले सकते हो, ठीक है। और मैं आप थोड़ा सा जो लोग बॉक्स लेते हैं, जी जी देखिए, जैसा देखते हैं ये हमारे इम्पोर्टेड बॉक्स है, ये इम्पोर्टेड होते हैं, इसमें कहीं पास भी कोई भी लोकल लेने, ये इम्पोर्टेड होते हैं। और इसकी टेस्टिंग भी मैं लास्ट में थोड़ी सी दिखा दूंगा, लास्ट में दिखा दूंगा, क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है। तो इसकी देखो, ये देख सकते हैं आप, इसकी है, ये देख सकते हैं क्वालिटी, क्वालिटी देख सकते हैं। और हमारा पिंजा ऑडियो की इम्पोर्टेड बॉक्स होती है, यहाँ पर एलंकी भी देखिए, यहाँ पर एलंकी क्वालिटी देख सकते हैं, पेंट की भी क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये देख सकते हो गाइस, काफी स्मूथ रहने वाला है। और हमारी ये देखिए कैबिनेट बनती है, अगर कोई भाई अगर कैबिनेट अगर लेने शौकीन है, देखिए एक कैबिनेट ये है, ये लोकल कैबिनेट है, ये मतलब हाँ ये इंडियन कैबिनेट होती है, और ये इंडियन कैबिनेट है, इसको हम ओरिजिनल नहीं बोलेंगे, मगर लोग बहुत लोग लेते हैं, बहुत लोग लेते हैं, जो लोग होते हैं अच्छा लेना चाहें तो ये चीज होती है। और अब ये भी नहीं है कि अफोर्ड की बात आती है, अफोर्ड तो अब ये भी कर सकते हैं, इंपोर्टेड में काफी अच्छी क्वालिटी आ रही है। यहाँ पास आपको बैंडिंग भी मिल जाएगी, अगर आप देखेंगे ये चीज देखिए, हमारी ये देखिए पूरी तो की यहाँ पास सीएनसी कटिंग होने वाली है। जी जी बिल्कुल, ये देख सकते हो गाइस, ये इंपोर्टेड रहने वाली है, एकदम सीएनसी कटिंग में मिलने वाली है, और ये एकदम प्लाई में है, एमडीएफ है नहीं, प्लाई में ही बनवाते हैं, और बहुत अच्छे इंपोर्टेड आती है। जी दोस्तों, आप स्क्रीन पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर एक्चुअल में आप इसको टच करेंगे ना तो मजा आ जाने वाला है। और मैं एक चीज और दिखाऊंगा आपको, देखिए ये स्पीकर में आ जाइए, देखिए जैसे मेरे ये स्पीकर काफी सारे जो इम्पोर्टेड होते हैं, तो जो लोग ये स्पीकर लेगा वो ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई पिंजा ऑडियो खराब बजता है, भाई उनको क्या होता है कि इंडियन स्पीकर मिलके स्टिकर लगा के दे देते हैं लोग, सब बड़ी समस्या यहाँ आती है। तो देखो ये इसको आप नोडियम स्पीकर नहीं बोलोगे, ये हीटसिंक लगाई है, ताकि आप रातों रात जो आजकल कंपटीशन कर रहे हैं पूरी रात पूरा दिन, तो जो मैग्नेट ये हीट होती है तो ये इसको क्या करते हैं, कवर करता है। और यहाँ पर काफी सारे आप स्पीकर देख सकते हैं, काफी सारे यहाँ पर स्पीकर की रेंज है, और यहाँ पर स्पीकर की रेंज जितने भी है, इसकी जो ओवरव्यू मैं दूंगा वो अपना जो है वो दूसरे चैनल है उस पर मैं आपको पूरा कवर करूंगा, ठीक है। और बाकी ओवरव्यू आप देख सकते हो, जो कि काफी अच्छी होने वाली है। और ये आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं पिंजा ऑडियो की हमारी इम्पोर्टेड ये जो आजकल चल रही है, रहने बोलते हैं इसको, और ये मिनी होती है, छोटी होती है, और लोग बहुत लोग लगाते हैं अपने उसमें डीजे में, और इसकी क्वालिटी भी देख सकते हैं, बाकी यहाँ एलंकी क्वालिटी देख सकते हैं, तो काफ़ी सारी हमारी ये भी मिलने वाला है आपको। और यहाँ पास आ जाएंगे हम, अगर हम बात करेंगे इसका केचप, भाई साहब केचप का तो कोई तोड़ ही नहीं ना, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ अमित भाई तो आप देखिए, अगर मैं अच्छा दिखाता हूँ कि अगर आप मिड प्रेशर जो बहुत लोग लेते हैं और सोच रहे हैं मिड प्रेशर मैं खरीदूँ, भाई बजट नहीं हो पाता, तो ये हमने बनाया, आप बड़ी बना दी है, जैसे देख सकते हैं आप, ये काफ़ी बड़ी है, आप बिल्कुल मिड प्रेशर जैसा ही मज़ा ले सकते हैं, मैं बट ये नहीं कहूँगा कि उसके जैसा ले सकते हैं, अगर रेट को अगर देखेंगे आप तो रेट के हिसाब से आप देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड रहने वाली है। आप इसके बारे में आप बता सकते हैं अपने सब्सक्राइबर को कि इसकी क्वालिटी बता सकते हैं। क्वालिटी दोस्तों, अब अगर आप वैसे देखिए क्या होता है, कभी कभी स्क्रीन पे उतना पता नहीं चल पाता, बट अगर एक्चुअल में कोई बंदा अगर इसको छुए ना तो कहीं नहीं सकता कि ये वो रहने वाला है, इतनी अच्छी क्वालिटी में। आप ये अंदर का भी देख सकते हैं अच्छी चीज का, और ये देख सकते हैं इम्पोर्टेड, इसका काफी सारा आप जैसे मिड प्रेशर नहीं ले रहे हैं तो इसको लेके पूरा मजा मिड प्रेशर जैसा ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात हमारी जो कपलिंग होती है, तो मैं बात करूँ की कपलिंग जैक पिन तो कोई टूटी है नहीं, मैं सिंपल में दिखाता हूँ, हमारे पास लगी हुई है, अगर इसकी क्वालिटी आप देखेंगे तो मैं दिखाता हूँ ये क्वालिटी होती है, एक काफी ज्यादा इसको जैक दिखाइए, ये दोस्तों देख सकते हो काफी मजेदार रहने वाली है इसकी,
और हमारा मिक्सर भी है, देखो ये रखा हुआ है। और हमने ये मिक्सर बनाया, ये मिक्सर जो हमारा लॉन्च हुआ है, हमने ये सिस्टम ब्लूटूथ का दे दिया गया है। और ये सिस्टम आपका ये जो हमने बताया डायरेक्ट भी आप बजा सकते हैं, प्लस आप इसमें आप अपने लीड बजा सकते हैं, यानी कि इसमें 3 सपोर्ट है मिक्सर में। अगर आपकी लीड खराब होती है तो ब्लूटूथ से बजा सकते हैं, अगर ब्लूटूथ भी आपका खराब हो जाता है फिर भी आपकी ये जैक पिन या लैपटॉप से डायरेक्ट बजा सकते हैं, डायरेक्ट ही बजा सकते हैं। इसमें इसमें आईडियो आपको फुल मिलेगा, हाँ सबसे बड़ी फुल मिलेगा। और इसमें कभी भी आपको यानी कि हमारे भरोसा नहीं होगा कि यहाँ शार्ट हो जाएगा, काफी सारा हमारा यानी वो होगा। तो देखिए मैं डायरेक्ट लगा हुआ है, नेक्स्ट कभी मैं टेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा अमित भाई तो आपके चैनल में आ जाएगी। और हमारी देख सकते हैं पेंजी आईडियो की एम्पलीफायर हमारी है, तो काफी सारे हमारे पास CA20 भी है, CA12 भी है, काफी सारी एम्पलीफायर है। और यहाँ हमारी ये हमारी MT1601 पेंजा की है और काफी अच्छी है। हाँ कम्पटीशन में आप इसको बिंदास बजा सकते हैं, रात दिन करके बजा सकते हैं। और बाकी काफी सारे यहाँ अगर देखो जैक पेन हमारे देख सकते हैं, काफी सारे यहाँ पास यहाँ पर जैक पेन हमारी आते हैं सब यहाँ से इमरजेंसी। ये देखिए इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये देखिए तो गाइस क्वालिटी इसकी क्वालिटी देख सकते हैं आप, ये चेक कीजिए गाइस काफी मजेदार होने वाली है। और सबसे बड़ी बात दिखा दूँ, हमारा जो बहुत ज्यादा इस समय ट्रेंड में चलने लग गया अब ये माइक, हाँ ये माइक, और माइक के साथ इसकी जो आपकी लीड मिलेगी भाई साहब तो कोई कंपनी इतनी अच्छी नहीं देती जी। अब इस पर लीड को दिखाइए और दोस्तों ये माइक भी देखिए, हाँ माइक भी आप देखिए, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी बहुत बेस्ट क्वालिटी होगी। ये पिंजा ऑडियो की तरफ से आने वाली TZ100 ये देखिए, और ये देख सकते हैं इसके साथ ये जैक फिर जैक रहने वाली, भाई एक बार ले लोगे 5 साल खराब नहीं होगी, अच्छी होने वाली, हाँ 5 साल खराब नहीं होगी। ये देखो गाइस ये सब आपको मिलने वाले हैं, बाकी ओवरव्यू तो काफी अच्छा रहा। तो दोस्तों जैसे कि आपने पिंजा ऑडियो को जो दिल्ली में ऑफिस है उसमें जितने भी अभी प्रोडक्ट है वो ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया, एक एक चीज का प्रोडक्ट का रिव्यू अभी तो नहीं दे सकते, कंटिन्यू रहा तो मैं आपको दिखा दूंगा ठीक है। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अमर भाई एक चीज आप बताइए कि जी, बिल्कुल वैसे आपने बता ही दिया बट मैं फिर एक बार आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई कस्टमर आपसे लेना चाहता है ठीक है, या होलसेल में हो या फिर रिटेल में, तो आप कैसे कॉन्टेक्ट कर सकता है आपसे ये बताइए। अमित भाई मैं आपको बता दूं, कोई भी भाई कहीं से भी है, अगर हमारा डीलर नहीं ना वहाँ, क्योंकि हमारे डीलर ऑलरेडी काफी सारे हैं, अगर वहाँ पर डीलर नहीं ना तो वो हमसे आके मिले या हमें कॉल भी कर सकता है, वहाँ की वो डीलर से ले सकता है, ले सकता। हाँ पहले हम ये देखेंगे कि हमारा पहले से वहाँ डीलर ना हो, क्योंकि एक ऐसा होता है कि कंपनी का वहाँ पहले से डीलर है तो वहाँ पर बनाना मुश्किल होता है। हाँ बट अगर एक सीन होता है कि एक लोग दूसरे लोग से माल नहीं लिया करते, उसको लगता है कि हाँ भाई ये लोकल है तो हमसे भी डायरेक्ट वो आ सकता है। बाकी आपको पता है कि दिल्ली में ये मेन बस लाल किला के बगल में ही खुला हुआ है, बाकी आप एड्रेस बता सकते हैं अपने उसे, बाकी नंबर भी डाल देंगे, नंबर भी स्क्रीन में आ जाएगा, भी मिलने वाला है आपको। गाइज जो अमर भाई का है नंबर मैं आपको स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो, कमेंट में भी चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं आपका नंबर डाल दूंगा। बाकी ये जो शॉप स्थित होने वाली है लाल किला के जस्ट अपोजिट पार्किंग आती है अंगूढ़ी बाग में, 17 नंबर शॉप है, आप यहाँ पे आके भी परचेस कर सकते हो। बाकी अगर आप नियर बाई हरियाणा साइड हो गए, दिल्ली के पंजाब साइड हो गए, इधर के हो तो आपको कोई बात ही नहीं, आप जल्दी से आ सकते हो। बट अगर आप दूर से भी हो तो अगर आप चाहते हो ऑनलाइन लेना तो आप उनसे ऑनलाइन में भी आप बात कर सकते हो, ये हर जगह यहाँ पे डिलीवरी होती है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और अमर भाई का भी चैनल सब्सक्राइब कर देना। भाई हमारा मेरा भाई जो है वो तो है, मैं यही कहूँगा अगर मेरे भी कोई बंदे देख रहे हैं, अगर हमारे सब्सक्राइब देख रहे हैं या हमको कोई जो मुझे पहचानते हैं तो अमित भाई को जरूर सपोर्ट करो, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं भाई साहब। आपके पास कोई चीज़ ओरिजिनल बताने के लिए यानी दिखाने के लिए बंदे कोई यूट्यूब इतना तो पैसा नहीं देता, और भाई ना कोई इतना कोई पैसा मिलता यूट्यूब में डीजे लाइन से अगर देखा जाए, बट दूसरे लाइन से मिलता है, डीजे लाइन से नहीं मिलता। तो भाई को सपोर्ट करो, भाई आपका प्यार है। और बाकी आपको बहुत जल्दी हम टेस्टिंग वाले भी वीडियो दिखाएंगे, शादी की लाइव की भी दिखाएंगे, सब होने वाला है। अभी ओवर भी हमने दिखाया, बाकी आप कंटिन्यू बने। नामित भाई लास्ट में यही कहूंगा आपके वीडियो में कि जो मेन हमारा यहाँ पर बैठने का मतलब है, जैसे पता था हमारा ऑलरेडी यूपी में होते हैं, यहाँ बैठक सिर्फ यही था, जो काफी लोग डुप्लीकेट ले रहे हैं यहाँ पर पिंजा आईडियो का स्टिकर लगा के स्पीकर ले जाते हैं, उनका पैसा बर्बाद हो जाता है, वो बंद करने के लिए सिर्फ हम दिल्ली में बैठे हैं कि आप कम से कम यहाँ आए। और बाकी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं पेंजा आईडियो ऑफिस दिल्ली, तो उसमें आपको लोकेशन में भी आ जाएगा, मिल जाएगा।